तो ये गोपियापुरा गांव है जहां पर आवास योजना को लेकर लोग तरस रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, अपना जीवन कैसे काट रहे होंगे। थोड़ा अंदर जाने के बाद पता लगाते हैं कि देखिए पूरा ही मकान जो है वो कच्चा बना हुआ है, यहीं पर बर्तन रखे हुए हैं, यहीं पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, और ये देखिए कंडीशन, देखिए हालत, देखिए लोग कैसे अपना जीवन काटते होंगे। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका बस्ता भी यहाँ पर रखा हुआ है, खूब पढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन कैसे बच्चे बढ़ेंगे आगे आप बताइए, ऐसा कैसे देश विकसित होगा। देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आवास योजना का लाभ देने का वादा उन्होंने हर एक गरीब से किया था, लेकिन आज भी नहीं मिला। यहाँ पर देखिए चूल्हा भी मौजूद है। माता जी से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश है, आवास योजना नहीं मिली आपको? मोदी जी एक योजना चला रहे हैं जिसमें पक्का मकान मिलता है, वो मिला? कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला, ना ही सिलेंडर मिला और ना ही आवास मिला, ना ही लैट्रिन मिली, कुछ भी ना मिला। प्रधान से क्या मांग करती हो, मांग करिए कभी? हाँ, क्या कहते हैं वो? लालपुर से उन्होंने कही कि तुम्हारा कॉलोनी नहीं मिली है, कॉलोनी नहीं मिली, हाँ, ना लैट्रिन मिलेगी तुम्हें। अधिकारियों से मांग की थी? अधिकारियों से मैंने बर्तना भी दी और इसमें खनम तहसील में भी दी, इसमें खनम कचहरी में भी दी और महेबा भी दी, हमने एप्लीकेशन सब में लगाई। कोई वजह बताई अधिकारियों ने कि आपको क्यों नहीं मिलेगी, बताओ? जब कहीं कुछ मिली तुम्हारी सुनी जा रही, बस इतनी कही, बस यही है। पहले कब मिली? अच्छा कभी मिली है आपको? कभी नहीं मिली, कहीं भी चेकिंग कर लो मेरी। आपको नहीं मिली? नहीं। लिस्ट में कोई नाम वाम कोई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ससुर को मिली, ना ही मुझे किसी को नहीं मिली। मतलब लगभग कितने सालों से झोपड़पट्टी में रह रही हो आप? मुझे हो गए 8-9 साल हो गए। कितने बच्चे हैं, पढ़ने भी जाते होंगे बच्चे? हाँ, एक लड़का जा रहा है 11वीं में। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी? हाँ, एक साथ टाइम जा। तो यहाँ पर महिलाओं के दर्द की बात की जाए तो आखिर प्रधानमंत्री किस तरफ ध्यान देंगे? हम तो ये सोचते हैं कि जो योजना चलाई जा रही है वो सारी योजनाएं आखिर शहर तक सीमित ही क्यों रह जाती है, गाँव में क्यों नहीं पहुँचती है, इसका वजह क्या है? क्या वाकई में ग्राम प्रधान और सचिव आलाधिकारी मिलकर ये सारी योजनाओं को खा जाते हैं? आगे भी हम आपको इसी गांव की और भी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ।